सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक इंस्टाग्राम की न्यू ट्रेंडिंग रील्स वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। जैसे कि अभी अभी आप प्रीव्यू में और यहाँ पर भी आप अभी ये रील देख रहे हैं, इस टाइप के रील इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से और बिल्कुल इजी एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ इस वीडियो की एडिटिंग का। तो चलिए चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को आपको सबसे पहले लाइक करना है और साथ साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मेरी सारी आने वाली न्यू से न्यू एडिटिंग वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे और आप बनाकर रील्स अपलोड करते रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, अब मैंने अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब आपको अपने फोन में सबसे पहले एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस ऐप का नाम VN वीडियो एडिटर है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा था। ओके, सो अब यहाँ पर आपको एडिटिंग के लिए प्लस पर क्लिक करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। और गाइस, अब यहाँ पर आपको फोटो पर आना है, देन यहाँ पर आपको एक फोटो चूज कर लेना है जिस फोटो की आपको अपनी रील बनानी है। ओके, सो मैंने ये फोटो ऐड कर लिया है, इसी का स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब आपको ऊपर ओरिजिनल पर क्लिक करना है, देन 9:16 पर क्लिक करना है। और अब हमारा इंस्टाग्राम का रेशियो हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लास्ट में आना है, देन इस ऐप का एक छोटा सा वाटर मार्क आता है, इस पर क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। अब ये जो फोटो आपका आ गया है, इस पर क्लिक करना है, इसको आपको 4.45 सेकंड का कर लेना है। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको प्रॉपरली 4.45 सेकंड का कर लेता हूँ, 45 का। ओके गाइस, ये देखिए मैंने 4.45 सेकंड की इसकी लेयर कर ली है। अब आपको सिंपली इस ब्लू वाले एरो पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सेव मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि हम आगे वीडियो एडिटिंग में छोटे छोटे फोटो पर स्प्लिट कर सकें। अब आपको सिंपली बैक बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना है, और जो अभी आपने सेव किया होगा वो सबसे फर्स्ट नंबर पर आ गया होगा, आपको फिर से उसी को ऐड कर लेना है। अब हमारी यहाँ पर ये भी ऐड हो चुका है। सो अब जो आपने सबसे फर्स्ट यहाँ पर फोटो ऐड किया था, इस फोटो पर क्लिक करना है और इसको आपको डिलीट कर देना है। अब हमारी ये वीडियो बची है जो हमने अभी सेव की थी। अब आपको सबसे पहले इसमें एक ऑडियो ऐड करनी है। तो ऑडियो ऐड करने के लिए आपको सिंपली टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक करना है। म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है, देन थर्ड नंबर पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक 4 सेकंड का वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ये 4 सेकंड की वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं सिंपली चॉइस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली म्यूजिक बीट्स पर क्लिक करना है। और गाइस, अब यहाँ पर आपको इसमें कुछ 4 बीट्स लगानी है। सो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि कितने सेकंड पर मैं बीट्स लगा रहा हूँ। फर्स्ट बीट आपको लगानी है 2.14 सेकंड पर, सेकंड बीट 2.83 सेकंड पर, थर्ड बीट 3.43 सेकंड पर, और फोर्थ बीट 4.01 सेकंड पर। ओके, लगाने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक कर दिया और हमारी ये ऑडियो जो है आ चुकी है। अब आपको सिंपली जितने भी आपने ये बीट्स लगाई हैं, जैसे ये बीट से मेरी, मैं इस बीट्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये अट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा तो हमारा ये फोटो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्प्लिट पर क्लिक करूंगा, स्प्लिट बीट पर क्लिक करना, स्प्लिट बीट पर क्लिक करना और स्प्लिट। ओके, करने के बाद अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आना है। और जो ये आप, मैं इसको पहले थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ओके गाइस, सो अभी जो आप ये फर्स्ट वाला फोटो देख रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा सबसे बड़ा फोटो है, बट आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फुल जूम कर लेना 2 फिंगर की मदद से आपको इस तरीके से। और ये फुल जूम करने के बाद इसकी फोटो की स्टार्टिंग में आना है। और अभी आपको ये एक स्प्लिट का ऑप्शन शो मिल रहा होगा, ये अभी हाईलाइट है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ स्क्रॉल करूंगा फोटो को, तो यहाँ पर देख रहे हैं स्प्लिट का ऑप्शन शो होने लगा वाइट। मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, फिर से हाईलाइट हो गया, मैं फिर से स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर फिर से स्प्लिट कर दूंगा। तो ऐसे ही ओनली आपको अपने फर्स्ट वाले फोटो को इतने छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करते जाना है। तो मैं जल्द से कर लेता हूँ, नहीं तो हमारी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो गाइस, अभी आप देख रहे हैं मैंने ओनली फर्स्ट वाले फोटो के छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर लिया है। अब आपको इन बड़े फोटो में कौन सा इफेक्ट्स लगाना है और इन प्लस पर आपको कौन सा इफेक्ट्स लगाना है, ये सब मैंने पहले से ही एक प्रोजेक्ट रेडी कर रखा है। मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है।
सॉरी गाइज। सो यहाँ पर देखिए मेरा ये प्रोजेक्ट जो है पूरा ओपन हो चुका है, पहले से पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, आपको कैसे बनानी है मैं आपको बताऊंगा। इन छोटे छोटे फोटोज में आपको क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इन फोटोज में बता देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा फोटो इस तरीके से सिंपल था, ये देखिए गाइस ये सिंपल है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मिरर कर दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट फोटो सिंपल, उससे नेक्स्ट फोटो मिरर, सिंपल से मिरर, फिर उससे नेक्स्ट फोटो सिंपल, इतना कर लिया। करने के बाद ये जो बड़े फोटो हैं इन फोटो में अब आपको एफएक्स लगाना है। तो स्टार्टिंग में एक ऑप्शन आपको मिलेगा एफएक्स का, आपको एफएक्स पर क्लिक करना है। वैसे तो जो एफएक्स आपको पसंद आता है आप वो लगा सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे एफएक्स आपको मिल जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक जिटर का या कोई भी एफएक्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक जिटर वाला ही लगा लेता हूँ, ठीक है। और इसको आपको एक बात याद रखना है, इसको आपको स्टार्टिंग से रखना है, जो ग्रीन वाइट लेयर है, ओके। मैं राइट पर क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पर आया, एफएक्स पर आया, और यहाँ पर इस पर मैंने जिटर वाला लगा दिया है। तो मैं आपको इन सभी फोटोज पर बड़े वाले जिटर वाला एफएक्स लगा लेना है। अब बात आती है इन प्लस पर आपको क्या लगाना है। ये जो अभी आपको प्लस दिख रहा है ये आपको इसी तरीके का प्लस यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी दिख रहा होगा। तो इन प्लस पर आपको क्लिक करना है और जूम पर एक बार क्लिक करना है और एक बार आपको और क्लिक कर देना है, ठीक है। जूम पर जो है आपको दो बार क्लिक करना है, ठीक है। राइट पर क्लिक कर देना है, ऐसे ही आपको इस प्लस पर भी जूम लगाना है, इस प्लस पर भी आपको जूम लगाना है। यह काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के फोटोज आप देख रहे हैं इनमें आपको देखिए, पहले मैं आपको सबसे पहले छोटा फोटो करके दिखा देता हूँ। इतना छोटा हमारा फोटो था तो मैंने क्या किया, इसको जूम कर दिया, इतना कर दिया। देन नेक्स्ट फोटो पर हम आए तो मैंने इसको फेस ला दिया, मतलब यहाँ से पहले मैंने इसको कर दिया। ये जितने भी फोटोज हैं इन सभी में आपको इस फोटो की जो लोकेशन है ये चेंज करती जानी है। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी फोटोज में मैंने चेंज कर रखी है, ये देखिए, ठीक है। अब लास्ट में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको ना कुछ मतलब 7-8 फोटो से पहले आपको रुकना है। रुकने के बाद जैसे यहाँ पर अभी देख रहे हैं मैंने इतने फोटो इस साइड के छोड़ रखे हैं, ये देखिए। सो आपको रुकने के बाद ये देखिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मिरर का ऑप्शन आता है जो सिंपल से मिरर कर देता है। तो एक सिंपल एक मिरर, एक सिंपल एक मिरर, एक सिंपल एक मिरर, ओके। हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, अब मैं आपको प्ले करके दिखा दूंगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर देना है। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस न्यू से न्यू एडिटिंग की आपके पास तक पहुंचती रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब आपको स्टार्टिंग में आना है और अब मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। आपने देखा प्रोफेशनल तरीके से हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है। अब आपको इसे गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना है और विदाउट राइट पर क्लिक करने के बाद विदाउट किसी प्रॉब्लम की हमारी गैलरी के अंदर ये वीडियो सेव हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रेंड के साथ।